हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का एडिट ऑफ टीचिंग परीक्षा पे तहे दिल से स्वागत है। हेलो मनप्रीत सिंह जी, हेलो निक्स रुचि जी, गुड इवनिंग आप दोनों को। गुड इवनिंग है फ्रेंड्स। फटाफट से सेशन के लिंक को कॉपी करो, शेयर करो, एंड जो भी लोग आना चाहते हैं फटाफट से सेशन में लाइव आए। आज हम अपने मॉक टेस्ट को शुरू करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया था, फिर मैंने आपको दो एडवांस सेशन लिए हैं, एडवांस पार्ट वन और एसिड बेसिस सॉल्ट एडवांस पार्ट टू। इसके बाद आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हर एक लेवल, हर एक एग्जाम के लिए हो जाता है पूरा। अगर आप सिर्फ मेरे सेशंस को ही देख के चले जाएं, बुक से कोई रिविजन ना करें, मेरे सेशन को भी रिवाइज ना करें, ठीक है, तब भी आप लोगों का 100% हर एक क्वेश्चन पेपर में क्लियरली सॉल्व होगा। लेकिन बात यह है कि कॉन्सेप्ट आपको समझा हुआ होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उसी मेथड से आपने चीजों को पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो 100% हर एक क्वेश्चन को आप लोग पेपर में सॉल्व कर लेंगे। सभी को गुड इवनिंग है जो भी लोग सेशन में जुड़ गए हैं। फ्रेंड्स, फिर हम अपने मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। आज के मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में है। इन 20 क्वेश्चंस का स्कोर क्या रहा ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है जाने से पहले। और इसके साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को मैं खत्म करती हूँ, वाइंड करती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि साइंस पढ़ाई जाएगी, जिसमें बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो बायोलॉजी के सेशंस जो हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। 9th 10th लेवल की बायो और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको साइंस में पढ़ाई जाएगी, जो कि आपकी क्लास का नाम होगा PRT TGT स्पेशल। तो प्लीज फ्रेंड्स, उस क्लास में सभी लोग जुड़े, सेशन के लिंक को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों को जोड़ें। तो चलो, सभी को गुड इवनिंग है, सत श्री अकाल है जो भी सेशन में जुड़ गए हैं। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर वन के साथ। क्या क्या था आपका क्वेश्चन नंबर वन? फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें ध्यान देना है कि हमसे नॉट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है या क्या पूछा है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट हमें बतानी है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट वेयर एज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अम्ल जो होते हैं फ्रेंड्स वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जबकि जो कशार्क होते हैं वो कड़वे होते हैं, तथा कशार्क का साबुन जैसा स्पर्श होता है। ऑप्शन नंबर वन ने कहा। एसिड टर्न करता है फ्रेंड्स ब्लू लिथमस को रेड कलर में, ठीक है। अम्ल जो है वो नीले लिथमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, तथा कशार्क जो है वो लाल लिथमस को नीले रंग, ब्लू रंग में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं एसिड के, बेस के, ठीक है, एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के, वो इंडिकेटर सूचक कहलाते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट है जो एसिड एंड बेस है फ्रेंड्स वो मिलकर लवण बनाते हैं, मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, एंड हमेशा न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होती है। जो सॉल्ट होती है आपकी वो हमेशा न्यूट्रल उदासीन होती है। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है, ये आपको मुझे बताना है। कम ऑन फ्रेंड्स, बताओ। एक आंसर अब तक निक्स जी का ऑप्शन नंबर सी आ गया। बाकी लोग मुझे बताएं फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर क्या है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और फ्रेंड्स, जो भी लोग मॉक टेस्ट में प्रेजेंट हैं, प्लीज टेस्ट में क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आपको आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, सही आता है गलत आता है उससे भी नहीं पड़ता, बट आंसर लगाना इंपॉर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, डी जो स्टेटमेंट है थी मेरे दोस्तों वो इनकरेक्ट थी। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं, बेस जो कशार्क होते हैं कड़वे होते हैं, ये आप सबको पता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी, मतलब हमारा आंसर नहीं थी। एसिड ब्लू लिथमस को रेड में चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, एक कोड आपको बोला था BBB याद करने का, बेस, ठीक है, बिटर, कड़वे और ब्लू। अब इस स्टेटमेंट से आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट सॉल्व हो जाती अगर आपको ये कोड पता होता। बेस ने एंड में फ्रेंड्स ब्लू कलर देना है, तो जो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, बेसिस टर्न रेड लिथमस ब्लू। बेस ने एंड में ब्लू कलर देना है, ब्लू कलर दिया।
भैया बिल्कुल सही, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉल्यूशन जो होती है फ्रेंड्स अलग अलग चीजों की, ठीक है, अगर आप एसिड में कोई सॉल्यूशन को डालोगे, बेस में कोई सॉल्यूशन को डालोगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन को डालोगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगी। ठीक है, क्या वो इंडिकेटर्स होते हैं? बिल्कुल वो सूचक होते हैं, हमें पता है ये सूचक होते हैं। फिनोफ्थलीन एसिड बेस के साथ तो पिंक कलर का हो जाता है, एसिड के साथ फिनोफ्थलीन कलरलेस रहता है, आप सबको पता है, तो ये इंडिकेटर सूचक ही तो हुआ। तो पॉइंट नंबर सी भी राइट था, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा फ्रेंड्स, एक एसिड एक अम्ल और एक बेस एक क्षारक दोनों मिलकर उदासीकरण कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और न्यूट्रलाइज होने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। बिल्कुल सही बात। अभी सॉल्ट वो कहते हैं जो सॉल्ट फॉर्म होती है वो न्यूट्रल फॉर्म होती है, उदासीन फॉर्म होती है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल फॉर्म जरूरी नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म हो वो थोड़ी सी एसिडिक भी हो सकती है, अम्लीय भी हो सकती है, थोड़ी सी क्षारक भी हो सकती है, बेसिक नेचर की भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्यूशन में एसिड था या फिर स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्यूशन में बेस क्षारक था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सॉल्ट कैसी प्रोड्यूस होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग है, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स जो अभी क्लास में जुड़े हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये जो नीचे ये दिख रहा है फ्रेंड्स इसको मत देखना, ठीक है, ठीक है। तो चलो, अ सब्सटेंस, अ स्टूडेंट बर्न्स मैग्नीशियम रिबन, एक बच्चे ने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को उसने बर्न कर दिया, आग लगा दी, ठीक है, इन एयर, एंड डिसॉल्व द एशेज ऑफ द रिबन लेफ्ट आफ्टर बर्निंग इन डिस्टिल्ड वाटर। उसने क्या किया, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम में लगाई आग, ठीक है, मैग्नीशियम को आग लगा दी, एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को बर्न किया। उसके बाद एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, और उसने जो राख थी मैग्नीशियम रिबन की वो इस कंटेनर के अंदर डाल दी, ठीक है। ऑन पोरिंग वन ड्रॉप ईच ऑफ दिस सोल्यूशन, अब उसने क्या किया, इस सॉल्यूशन की एक बूंद ब्लू लिथमस पेपर के ऊपर डाल के देखी और एक बूंद लाल लिथमस पेपर के ऊपर डाल के देखी, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, क्या उसको देखने को मिला, ये आपको बताना है। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा ये आपको बताना है। मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझाती हूँ फ्रेंड्स। एक मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में एक बच्चे ने बर्न किया, उसकी राख को उठाकर एक कंटेनर में एक ग्लास में डाला, उस ग्लास के अंदर पानी प्रेजेंट था ऑलरेडी, और उस राख को उठाकर उसमें डालकर घोल दिया, मिला दिया, ठीक है। उसके बाद होगा क्या आपको ये बताना है। अब उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप उसने क्या किया, यहाँ पर ब्लू लिथमस पेपर के ऊपर डाल के देखा, एक रेड लिथमस पेपर के ऊपर डाल के देखा ड्रॉप, तो आपसे पूछ रहे हैं कि एंड में होगा क्या। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ब्लू लिथमस जो है आपका नीला लिथमस जो है वो रंगहीन हो जाएगा, टर्न कलरलेस हो जाएगा, बल्कि रेड लिथमस फ्रेंड्स लाल रंग का रहेगा, ब्लू लिथमस ब्लू कलर का रहेगा, ठीक है, और रेड लिथमस डीप ब्लू कलर का हो जाएगा, या फिर ब्लू लिथमस लाल रंग का हो जाएगा, बल्कि और वेयर एज रेड लिथमस आपका लाल ही रहेगा, ब्लू लिथमस लाल हो जाएगा बल्कि रेड लिथमस ब्लू रहेगा। अब सबसे पहला सवाल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो बनी वो एसिडिक है, अम्लीय है, या बेसिक है, क्षारकीय है। अगर आपको ये बात पता चल गई तो क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व कर दोगे फ्रेंड्स, एंड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, ब्लू लिथमस जो है वो ब्लू कलर का रहता है, बी 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 हमें कोड पता है, बेस बिटर ब्लू, ठीक है। आपको ये भी पता है, ये रही मैग्नीशियम, जब उसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगी तो MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर फ्रेंड्स उसने क्या किया, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख को पानी के साथ मिलाया, H2O के साथ मिलाया, तो मेरा बना MgOH होल टॉयस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। अब जब MgOH होल टॉयस को हम तोड़ के देखेंगे, जब MgOH होल टॉयस को हम तोड़ के देखेंगे तो हम देखेंगे कि OH नेगेटिव आयन मिल रहा है यार अपन को। OH नेगेटिव आयन का मतलब वो चीज एक बेस है, क्षारक है, और बेस का कोड अपने को BBB याद है, बेस बिटर ब्लू, लास्ट में ब्लू कलर बेस में आता है, तो ये देखो ब्लू कलर आ रहा है बिल्कुल, और ब्लू लिथमस भी ब्लू कलर ही दे रहा है, सेम ही कलर का है बिल्कुल, तो एंड रिजल्ट में ब्लू कलर आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर था, ठीक है। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, यू हैव टू टेस्ट ट्यूब्स, दोस्तों आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, पहली टेस्ट ट्यूब ए है,
दूसरी टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक है, ओके। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक, टेस्ट ट्यूब ए में फ्रेंड्स टर्मरिक का पेस्ट है, मतलब हल्दी का पेस्ट है, बल्कि टेस्ट ट्यूब बी में फिनोफ्थलीन प्रेजेंट है आपका, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें फिनोफ्थलीन प्रेजेंट है। हमने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, HCl के फ्यू ड्रॉप्स इसमें डाल दिए, तो क्या चेंजेस होंगे टेस्ट ट्यूब में, ये आपको मुझे बताना है। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सेशन इंपॉर्टेंट है, DSSSB का पेपर आ रहा है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे, और मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने वीडियोस को ध्यान से पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स को बनाने की कोशिश की, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका सॉल्व ना हो पाए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको यहाँ यूट्यूब पे फ्री में कॉन्सेप्ट बेसिस पढ़ाया। ऐसा मत सोचो कि मैम अब यूट्यूब पे तो यार थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हैं, मैं यूट्यूब पे पूरा पढ़ाती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे को अपना पता है, मैं यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ाती हूँ, पूरा पढ़ाती हूँ। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर में, दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, तो देखो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। पहले टर्मरिक थी, दूसरी आपके पास फिनोफ्थलीन थी। आप सबको पता है HCl को अगर मैं तोड़ूं तो H पॉजिटिव आयन देगा, मैंने आपको पढ़ाया था, जो चीज H पॉजिटिव आयन देती है वो एसिड अम्ल होती है, और जो चीज OH नेगेटिव आयन देती है वो बेस क्षारक होती है, ये हम सब हमने पढ़ा था। अब देखो H पॉजिटिव आयन मतलब एसिड है ये, मैंने टर्मरिक में जब हल्दी में एसिड डाला तो वो येलो कलर की रही, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, जब आप हल्दी में एसिड अम्ल डालते हो तो वो येलो रहती है, और हल्दी में जब हम बेस डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और फिनोफ्थलीन का क्या होता है फ्रेंड्स, फिनोफ्थलीन ब्लेंडर प्राइड एक एल्कोहल का ब्रांड है, ब्लेंडर प्राइड दारू की बोतल आती है ब्लेंडर प्राइड की, मैंने आपको याद कराया था कि बेस के साथ फिनोफ्थलीन पिंक कलर का हो जाता है, लेकिन HCl एक एसिड है, HCl के साथ कलरलेस रहेगा, तो यहाँ कलरलेस ही है, ठीक है। जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट लगाया फ्रेंड्स, अपियर पिंक बेस के साथ होता है, आप भूल गए ब्लेंडर प्राइड, आपको कोड भी याद कराया था मैंने, आई होप ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें, जो टार्ट्रिक एसिड है वो किस चीज में पाया जाता है, लेमन में, आंवला में, अनराइप मैंगो में, या फिर ग्रेप्स में, अंगूरों में। फ्रेंड्स फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आज का टेस्ट अटेम्प्ट करके, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 100% फुल एंड फाइनल तैयार हो जाते हैं मेरी तरफ से एसिड एंड बेस को सॉल्व करने के लिए विदाउट रिविजन। रैपिड फायर रिविजन सेशंस में कंटिन्यू रहेगी, एंड आपको ये चीजें पेपर तक रिटेन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है थी हमेशा रहेगी, वो मैं आपको याद सब कुछ करा दूंगी, और ऑलमोस्ट सब याद भी हो गया। आपको कोड याद करना है अभी तक की, BBB बेस बिटर ब्लू, ठीक है, बी से होता है बेस, बी से होता है बिटर मतलब कड़वा, और बी से होता है ब्लू, बेस एंड में ब्लू कलर देगा, रेड लिथमस ब्लू लिथमस कोई भी कहानी आए, अगर अपने को ये कोड याद है हम था करके सॉल्व कर देंगे सिंपल भाषा में, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए कि जो टर्मरिक है मेरे दोस्तों वो एसिड के साथ तो येलो कलर का ही रहता है जैसा उसका रंग है हल्दी का, लेकिन बेस के साथ हल्दी रेड कलर की हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है, रेडिश ब्राउन कह लो या आप रेड कह लो, दोनों में से जो भी आएगा राइट आंसर है। ब्लेंडर प्राइड एक कोड मैंने आपको याद कराया था फ्रेंड्स, बेस के साथ फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, तो और वैसे एसिड के साथ ही कलरलेस रहता है, ये चीजें बार बार बोल के मैं सेशन में आपको रिवाइज करा दूंगी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो टार्ट्रिक एसिड जो है मेरे दोस्तों, टार्ट्रिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है अनराइप मैंगोज जो आपके कच्चे आम होते हैं उनमें, और आपके अंगूरों में प्रेजेंट होता है, आपकी इमली में प्रेजेंट होता है आपका टार्ट्रिक एसिड। आई होप मेरे फ्रेंड्स क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग सभी करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। चलो मेरे दोस्तों, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 आना चाहिए था, नंबर क्वेश्चन नंबर 4 ही रह गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाद में देखूंगी। चलो यू हैव फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 1, 2, 3, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक बी है, एक सी है, आई होप हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा है, तभी मैं सब बना के दिखा रही हूँ आपको।
आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब है ए बी सी, ऑन पुटिंग 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें फिनोफ्थलीन प्रेजेंट है ऑलरेडी, फिनोफ्थलीन इसमें प्रेजेंट है, आपने क्या किया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डाले, ठीक है, ओके। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने ए के अंदर तो डाला HCl, बी के अंदर आपने डाला सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पहले के अंदर HCl, दूसरे के अंदर NaOH, एंड तीसरे में आपने डाला डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर हमने यहां पर डाल दिया। अब आप लोगों को बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स किस प्रकार की हो जाएंगी, कलर में क्या क्या चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लिथमस है इसके ऊपर और जो इंडिकेटर्स आपके सूचक हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारे इंडिकेटर्स याद हैं, मैंने आपको सारे इंडिकेटर्स अच्छे से याद कराए हैं, तो मुझे फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। तो चलो आंसर आने शुरू हो गए हैं, तो चलो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ए जो है वो कलरलेस रहेगा। फिनोफ्थलीन में अगर मैं एक एसिड को डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स फिनोफ्थलीन को एसिड के साथ, लेकिन मेरा कोड ब्लेंडर ब्राइट मुझे कहता है कि बेस के साथ अगर फिनोफ्थलीन को रिएक्ट कराओ तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर दिखाता है, ये देखो पिंक कलर। और बेस और एसिड कैसे पता चलता है, जो चीज टूटने के बाद HCl टूटने के बाद H पॉजिटिव आयन देगा तो ये एसिड है, NaOH टूटने के बाद OH नेगेटिव आयन देगा मेरे दोस्तों तो ये एक बेस है, और सॉल्ट जो हमारा न्यूट्रल होता है, हमारा वाटर जो है डिस्टिल्ड वाटर मेरे दोस्तों न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ भी ये कलरलेस ही रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, चलो आप इसको 5 ही इमेजिन लेके रखो, ठीक है। A student puts a drop of dilute solution of sodium hydroxide first on blue litmus paper. Student ने क्या किया, sodium hydroxide, मैं बना के नहीं दिखाऊंगी friends, अब आपको खुद से question को solve करना है। Sodium hydroxide को blue litmus paper के ऊपर एक student ने डाला और फिर उसकी एक drop उसने red litmus paper के ऊपर डाल दी, तो उसने observe क्या किया, उसको क्या देखने को मिला, आपको ये बताना है। एक चीज मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है लिथमस पेपर से बहुत ज्यादा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी, जहां नाम आएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वहां लिथमस पर फिनोफ्थलीन पर टर्मरिक पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फटाफट बताओ मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। Come on guys, और जो लोग जुड़े हैं फ्रेंड्स साथ साथ में लर्न और रिवाइज भी करते रहे चीजों को बोल बोल के, इनकेस अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही, याद नहीं है, तो सेशन में लिख के जाओ यार, रिवाइज करके जाओ, टाइम नहीं वेस्ट करना कि सेशन देखा 1 घंटे का, फिर 1 घंटे पे पीडीएफ को याद किया। यार अगर मैं आपकी तैयारी, मेरा कराने का मिशन ऐसा है ना कि अगर मैं आपको पीडीएफ ना भी प्रोवाइड करूँ ना, आप में इतना एटीट्यूड आ जाए साइंस को लेकर, ईवीएस को लेकर, जीके को लेकर, कि आप सीधा बोलो कि मैम मुझे पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, हमें आता है, हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। और रही बात चीजें कुछ समय के बाद फ्रेंड्स भूल जाती हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें रैपिड रिवीजन करते रहना है, चीजों को बार बार बोलते रहना है, चीजों को बार बार रिवाइज करते रहना है। सेशन में 2 मिनट पहले भी जुड़ जाओ, फटाफट से लिखना शुरू कर दो यार, कि ठीक है मैम BBB कोड होता है, ठीक है ये चीज एसिड यहाँ प्रेजेंट है, ये बेस यहाँ प्रेजेंट है, जो भी आपको याद आए मेरे दोस्तों लिखते चलो, हर एक चीज को रिवाइज करते चलो, हर एक चीज को बोलते चलो, ताकि वो रैपिड टाइम रिवाइज होकर आपके दिलो दिमाग पे ऐसी छप जाए कि आप बोलो कि मैम पीपीटी पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है, सब आता है, पेपर शॉर्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स, वेरी गुड, देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिथमस पेपर एंड रेड लिथमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। आई होप मेरे फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो आपका, वो क्या होता है मेरे दोस्तों, OH नेगेटिव देता है, तो वो एक बेस होता है, और बेस का कोड BBB है, एंड में ब्लू कलर देगा। आपने एक चीज कभी नोटिस की कि आप सबको पता है, मुझे पता है, मैं कम से कम 100 से 500 बारी BBB बोल चुकी हूँ, ठीक है, मैं कभी भी 500 बारी बोल चुकी हूँ, लेकिन जब भी मुझे फिर से क्वेश्चन दिखता है मैं फिर से, आपने नोटिस किया है, BBB बोलती हूँ आपके सामने, और ये भी बताती हूँ ये बेस है, ये बिटर है, ये ब्लू है, चाहे मुझे पता है कि आपको पता है, क्यों बार बार बोलो, जितनी बारी बोलोगे उतना पक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अ बॉय हैज अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक. फ्रेंड्स एक बच्चा है उसके पास एक मोटा थिक पेस्ट है टर्मरिक हल्दी का. ऑन एडिंग दिस पेस्ट ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब वो पेस्ट को वो HCl के ऊपर ऐड कर रहा है एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक बारी HCl पे ऐड किया जा रहा है वो पेस्ट टर्मरिक का, एक बारी सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी फ्रेंड्स NaOH पर डाला जा रहा है. तो आप वो बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा, क्या उसको दिखेगा, बताओ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है. कम ऑन फ्रेंड्स जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. और मैं फिर से सब कुछ जो अब तक पढ़ाया दोबारा रिपीट करूंगी आपके साथ आपके सामने. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पागल करना है फ्रेंड्स. ठीक है, मेरा मिशन है कि मैं आपको क्रेजी कर दूं साइंस को लेके. आप बोलोगे मैम साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आपको सब कुछ टिप्स पे याद हो विदाउट रिविजन. आप पेपर में जाओगे अगर आप मुझसे पढ़ोगे फ्रेंड्स, ये गारंटी देती हूँ मैं आपको 100%. ऐसे ही नहीं बोल रही हवा में, विदाउट रिविजन पेपर में जाओगे. इतने स्ट्रांग आपके कॉन्सेप्ट होंगे कि हम कुछ याद नहीं करेंगे. आपको पता है हम कुछ याद नहीं करते, हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करते हैं. कॉन्सेप्ट स्ट्रांग, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी चैप्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स. बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है. मैं आपको फिर से एक बार याद करा दूं फ्रेंड्स, जो टर्मरिक होती है वो एसिड के साथ तो येलो कलर की रहती है एंड बेस के साथ टर्मरिक रेड कलर दिखाती है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है. आई होप मेरे दोस्तों ये बात आप सभी को क्लियर है. रेड दिखाएगी बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है. क्यों एक बेस है फिर से रिपीट करूंगी, क्योंकि OH नेगेटिव आयन देता है. ठीक है, और आपका HCl एक एसिड है. क्यों एक एसिड है? क्योंकि H पॉजिटिव आयन देता है. टूटने के बाद जो H पॉजिटिव आयन देगा वो एक अमल होगा और टूटने के बाद जो OH नेगेटिव आयन देगा वो एक क्षारक होगा. मैं उम्मीद करती हूँ आप सेशन में पढ़ते पढ़ते ऊंची ऊंची सेशन को देखते हो फ्रेंड्स, ये सारी बातें बार बार ही बोलते चला करो. क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको क्या कहता है. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिथमस टू रेड. अब ये क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है एक्वस सॉल्यूशन. नीचे आपको ऑप्शन में ऑक्साइड्स दे रखे हैं और आपसे पूछ लिया इन ऑक्साइड में से ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जिसकी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घुलने के बाद वो ब्लू लिथमस को रेड कलर में चेंज कर देगा. बताओ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है. ये है असली क्वेश्चन और आज शुरू हुआ अब आपका खतरनाक टेस्ट शुरू. चलो बताओ फ्रेंड्स. आई होप फ्रेंड्स आपको मजा आता होगा. ठीक है, साइंस सीखने में, अच्छे से साइंस को समझने में एंड कॉन्सेप्ट को यूज करना, अपने दिमाग को यूज करना. मैंने आपको एसिड बेसिस का एडवांस लेवल तक पढ़ा दिया, तो ये क्वेश्चन बच्चों वाला है हमारे लिए. ठीक है, सच बता रही हूँ मैं आपको. थोड़ा सा दिमाग यूज करना और मुझे ये बताना कि ये क्या होगा इसका राइट आंसर. और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग, मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, राइट आंसर दें, सोच कर दे. दिमाग यूज करोगे ना चुटकियों में आंसर आएगा. ठा, याद नहीं करते हम, आपको पता है मैं कुछ भी याद नहीं कराती. शाबाश मेरे दोस्तों, मजा आ गया. ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर मैंने इतनी एफर्ट्स और इतनी पेन्स लगा के आपको कोई चीज समझाई सिखाई तो आपको वो आई. बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों. देखो क्वेश्चन क्या था, एक्वस सॉल्यूशन. अब फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे. उन्होंने बोला कोई ऐसी चीज है जो ब्लू लिथमस को लाल रंग में चेंज करेगी. मुझे पता है मेरा कोड है BBB बेस बिटर ब्लू, एंड में ब्लू कलर बेस के साथ आता है, लेकिन ब्लू को रेड में चेंज किया जा रहा है, मतलब कुछ गेम एसिड की बन रही है. सॉल्यूशन एसिडिक होना चाहिए. हम लोगों ने खूब ही अच्छे से पढ़ा है कि अगर हम मेटालिक ऑक्साइड्स जो भी होते हैं मेरे, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड मेरे दोस्तों बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारकीय नेचर के होते हैं, जो धातु ऑक्साइड है. और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो आप सबको पता है कि वो एसिडिक अम्लीय नेचर के होते हैं. लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि अपन को सीधा ये पॉइंट्स नहीं रटने यार, ये तो पढ़ पढ़ के याद हो गए. ठीक है, आपको भी मेरे को भी, लेकिन मैं समझाऊंगी आपको कॉन्सेप्ट के साथ. मान लो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लिया, MgO. मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी मिलाया क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन कह रहे हैं, तो मेरा बना MgOH होल ट्वाइस. यहां से मुझे पता चल गया कि यार ये तो टूटने के बाद मेरा बेस देगा, मेरा क्षारक देगा ये टूटने के बाद. क्यों? क्योंकि बेस टूटने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं और एसिड टूटने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है. ये आप सबको मैंने बहुत बार बता दिया.
अब मैंने देखा कि यार MgO, अच्छा मतलब मेटल ऑक्साइड, Mg तो एक मेटल है, मतलब मेटल ऑक्साइड अगर पानी में घुलेगा तो यार बेसिक नेचर का बनेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है, मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे काम तो एसिड का है, क्योंकि ब्लू लिटमस लाल रंग में चेंज हो रहा है, यार मतलब मेटल ऑक्साइड वाले आंसर तो बनेंगे ही नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, नहीं बनेगा। आयरन भी एक मेटल है, उसका ऑक्साइड भी नहीं बनेगा। कॉपर भी एक मेटल है, उसका ऑक्साइड भी मुझे सही आंसर नहीं देगा। अब हम आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पर। सल्फर मेरे दोस्तों एक नॉन मेटल है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है उसका ऑक्साइड बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। मैं जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिलाऊंगी फ्रेंड्स, तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बनता है। सल्फ्यूरस एसिड एसिड है, अम्ल है, एसिडिक नेचर का होगा। हमने पढ़ा भी है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, और एक एसिड ही ब्लू लिथमस को लाल रंग में चेंज कर सकता है, क्योंकि बी 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 मेरा कोड है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड बी फॉर ब्लू। आई होप गाइज ये बात आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, ठीक है। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, आपकी डाउट मैंने समझी, चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखो एक चीज सुनो, एक चीज है एसिड, ठीक है, और एक चीज है बेस। इसमें अंतर कैसे पता करना है आप मुझसे वो पूछ रहे हो, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। एसिड अम्ल, ठीक है। अब फ्रेंड्स एसिड जो होते हैं ना वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, पहला अंतर। बेस जो होते हैं ना वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं बेस। लेकिन जो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या हम टेस्ट कर कर क्या ऐसा होगा कि मेरे सामने कोई मान लो HCl रख दे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड रख दे और मैं सोचूं कि यार ये एसिड है या ये बेस है, तो ऐसा करती हूँ टेस्ट करके देख लेती हूँ। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को पी जाओगे, टेस्ट कर लोगे, आपको ये तो पता चल जाएगा टेस्ट में खट्टा है, लेकिन मुंह सब जल जाएगा। तो हम सिर्फ टेस्ट के आधार पर नहीं बता सकते। वैसे भी आपको पता है फ्रेंड्स, टेस्ट के आधार पर एसिड बेसिस को नहीं बताया जा सकता, सिर्फ टेस्ट के आधार पर। तो हम इंडिकेटर सूचक का यूज करते हैं एसिड बेसिस को अलग अलग करने में, ठीक है। अब देखो सूचकों के बारे में मैंने आपको सारे पढ़ा दी, एंड में आज टेबल फिर से आपको याद कराऊंगी जाने से पहले। एसिड अम्ल जो है मेरे दोस्तों, जैसे मान लो मैंने आपके सामने ये रखा अम्ल, जब भी आप मान लो इसको तोड़ोगे, ठीक है, दो चीजें हैं, एक है एच पॉजिटिव, एक है OH नेगेटिव। लक्ष्मी जी देखो, जब आप इसे तोड़ोगे, एच पॉजिटिव आयन अगर निकला, रिलीज हुआ, तो आप फट से बोल दोगे कि मैम ये एक एसिड अम्ल है। अब आप इसको तोड़ो, NaOH को, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। OH नेगेटिव निकला तो आप फट से बोल दो कि मैम ये एक बेस है, ये एक क्षारक होता है। तो यही पहचान है एसिड बेसिस की, कि एसिड टूटने के बाद एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं और बेस टूटने के बाद OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है। लक्ष्मी जी देखो, मैंने आपको दिया KOH और KCl, KCl तो एक सॉल्ट है, मान लो मैंने आपको दिया KOH, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा कि लक्ष्मी बताओ कि एक एसिड है या बेस है, आप बोलोगे मैम अगर मैं इसको तोड़ूं तो मेरे को देखने से पता चल रहा है कि OH लिखा है इसमें, OH नेगेटिव आयन ये रिलीज कर देगा, तो आप फट से बोलोगे मैम ये तो एक बेस है, एसिड नहीं है। मैं आपको बोलूं H2SO4 लो लक्ष्मी, ये एसिड है कि बेस। अब आप देखो यार, जब ये टूटेगा तो एच पॉजिटिव आयन और SO4 टू नेगेटिव आयन में टूटेगा, एच पॉजिटिव आयन निकला तो मतलब ये एक एसिड अम्ल है। ऐसे पता चलता है लक्ष्मी जी कि क्या चीज एक एसिड है और क्या चीज एक बेस है। आई होप क्लियर है। मेटालिक ऑक्साइड आर डैश इन नेचर हमारा क्वेश्चन था, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बेसिक इन नेचर। आपको विद प्रूफ करके दिखाती हूँ। Mg एक मेटल है, मैंने इसके साथ ऑक्सीजन को मिलाया, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को मान लो मैंने जलाया तो MgO ऑक्साइड बना। अब इस MgO को जब मैं वाटर के साथ मिला दूंगी फ्रेंड्स, तो मेरा MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। मैंने जब इसको तोड़ा, लक्ष्मी देखो, अब मैं इसको जब तोड़ूंगी तो क्या होगा, जब मैं इसको तोड़ूंगी तो इसमें Mg एक तरफ टूटा, Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिला। और आपको मैंने पढ़ाया OH नेगेटिव हमें बेस क्षारक में OH नेगेटिव मिलता है, तो मतलब ये बेसिक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आई होप अब आप समझे कि एसिड बेसिस में फर्क कैसे करते हैं, ठीक है। अगर कोई और भी डाउट है फ्रेंड्स मुझसे पूछो, बेझिझक पूछो, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। आपको पता है एसिड रेन होती है अम्ल वर्षा, ठीक है, इनमें से क्या एसिड रेन में प्रेजेंट है, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है। लक्ष्मी टेंशन नहीं लेनी,
ठीक है, वेरी गुड। लक्ष्मी जी का मैसेज आ गया कि मैम मैं समझ गई, बहुत बढ़िया। इन केस अभी भी ना आया हो किसी को भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक होके, टेंशन मत लो, मैं दोबारा पढ़ा दूंगी फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज 100 बार भी पढ़ा सकती हूँ बिना टेंशन के, लेकिन हाँ ये है कि जब आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिल से समझ के पढ़ो, और फिर मुझे मजा आ जाए कि मुझे लगे कि हाँ जी हो गया, समझ आ गया, ये सीरियसली पढ़ रहे हैं। चलो फ्रेंड्स बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मुझे लग ही रहा था सब ए देंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आप बोलोगे मैम कैसे कैसे, देखो फ्रेंड्स हमने एसिड रेन में क्या पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती थी, इस क्वेश्चन में हमें, मैं आपको समझाता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एक चीज सल्फर डाइऑक्साइड है, एक चीज आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने आपको पढ़ाया था कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी फैक्ट्रीज से, हमारी गाड़ियों से पॉल्यूशन के थ्रू हवा में चले जाती है, ठीक है, पॉल्यूशन के थ्रू एयर में जाती है, एयर में वहां प्रेजेंट होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, जिन्हें वाटर वेपर्स कह लो, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ये वाटर ड्रॉपलेट जब इनके साथ मिलते हैं, SO2 के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, NO2 के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और CO2 के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। अब SO2 के साथ जब मिलेंगे तो सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे फ्रेंड्स। ये सल्फ्यूरिक एसिड जब धरती पे गिरता है तो स्टोन कैंसर हो जाता है, तभी मार्बल का कलर जो है येलो कलर का हो गया, तभी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होने लगी है। क्यों? क्योंकि बारिश का pH बहुत कम हो रहा है। आप सबको पता है कि 7 से, मैंने pH स्केल आपको पढ़ाया है, 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 7 मेरे दोस्तों एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और 7 से 14 मेरा बेसिक होता है। तो जब pH कम हो जाएगा पानी का, तो बारिश अम्ल के रूप में नीचे गिरेगी, एसिड के रूप में नीचे गिरेगी, जिसे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। अब इस एसिड रेन की वजह से बड़ी भसड़ होती है मेरे दोस्तों, ठीक है, आप सबके साथ मैंने डिस्कस किया था। यहाँ सल्फ्यूरस एसिड लिखा है मेरे दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाइट्रस एसिड लिखा है मेरे दोस्तों, नाइट्रिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड होता ही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता। तो कार्बोनिक एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था, ठीक है। लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच, और आपको समझ आया मुझे बहुत खुशी है। डोंट वरी, अगर बचपन में किसी ने अच्छे से साइंस नहीं पढ़ी या कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको साइंस विद गारंटी कहती हूँ फ्रेंड्स, 100% बहुत अच्छे से एंड बेसिक लेवल से क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तभी मैं पहले टॉपिक पढ़ाती हूँ, ठीक है, फिर उसके एडवांस लेवल पढ़ाती हूँ, और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। अगर मैं सीधा ही आके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी किसी टॉपिक के, तो वो मजा नहीं आएगा मेरे दोस्तों। पहले थ्योरी तो जानो, कॉन्सेप्ट तो सीखो, बाद में क्वेश्चन देखेंगे कि आप कितना कर सकते हो कितना नहीं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय स्टूडेंट ए बी सी डी, ये 4 ऑब्जर्वेशन है जो एक बच्चे ने बनाई है मेरे दोस्तों। जब उसने क्या किया, व्हेन दे रब्ड बेकिंग सोडा, ये रहा आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑन ड्राई लिथमस पेपर। बेकिंग सोडा पे, बेकिंग सोडा को लिथमस पेपर के ऊपर जब उन्होंने रगड़ा, बेकिंग सोडा फ्रेंड्स एक नमक जैसा व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये सॉल्ट जैसा व्हाइट कलर का होता है। आपने जब बेकिंग सोडा से हम घर में कुछ खाने पीने की चीजें भी बनाते हैं, आई होप आप सबने बेकिंग सोडा को देखा होगा, तो आपको बताना है कि रेड लिथमस पेपर और ब्लू लिथमस पेपर पर बेकिंग सोडा का क्या असर होगा। सबसे पहला सवाल, बेकिंग सोडा की नेचर कैसी होती है, क्या ये एसिडिक होते हैं या फिर ये बेसिक होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, क्षारक नेचर के होते हैं, पहले तो ये बताओ। वेरी गुड, यस कैम प्रियंका जी बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया राहुल जी, शाबाश, सभी ने बहुत करेक्ट आंसर दिया मेरे दोस्तों, ठीक है। सोनी शुक्ला जी डोंट वरी, आपने मुझे बोला ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट करा दे। देखो सोनी जी, मेरी अगर आप यूट्यूब पे जाकर लिखोगे ना रितिका मैम, ठीक है, एडुटैब टीचिंग परीक्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, मैंने वहां पर एक सेशन लिया है, अगर आपको हो सकता है आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वैसे बहुत तगड़ा सेशन लिया जिसमें मैंने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, ये सब कुछ समझाया है, 2-3 टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे की पहले भी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ये टॉपिक कराया जाए, तो मैंने कराया था। अगर आपको वीडियो मिल जाती है तो एक बार आप उससे पढ़ना, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया और आपको वीडियो नहीं मिली तो बेझिझक मुझे बोलना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सेशन दोबारा ले लूंगी, अभी थोड़ी देर पहले लिया था मैंने, मैं दोबारा भी लेने को तैयार हूँ, एक बार ही आप ढूंढ लो, अगर आपको मिल गया तो, नहीं मिला तो दोबारा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सुलेखा जी, बहुत क्यूट कमेंट है, जितना आप, यू आर रियली माइंड ब्लोइंग मैम, जितना आपसे पढ़ते हैं, पढ़ते जाओ उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, बिल्कुल बढ़ेगा फ्रेंड्स, एंड फुल पावर इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैंने आपको राप्चिक लेवल का साइंस टीचर बनाना है।
विजय लक्ष्मी पांडे जी, मैंने आपको कमेंट देखा नहीं, ठीक है। एक्चुअली कमेंट्स बहुत ज्यादा तेजी से चलते हैं, आपने एक आंसर किया हुआ है ए में, साथ साथ कमेंट्स विजय जी सबके ले रही हूँ, ठीक है। इन केस किसी का मिस हो जाए मेरे दोस्तों, नाराज मत होइए। तो मैं आपको पहले एक चीज ये बता दूं मेरे दोस्तों कि जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। अब आप बोलोगे मैम एल्कलाइन नेचर, यार आप सबको पढ़ा है, एक होता है एसिड अम्ल, एक होता है बेस क्षार, और जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। तो एल्कलाइन नेचर का मेरे दोस्तों हमारा बेकिंग सोडा होता है, मतलब आप ले लो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो क्षार होता है, बेस होता है, ऐसा बेस जो पानी में घुल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था फ्रेंड्स, ठीक है। रेड लिथमस के साथ एक बेस जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और ब्लू लिथमस के साथ नो चेंज यानी कि ब्लू रहेगा। क्यों? क्योंकि कोड है बी बी बी, बी से बेस, बी से बीटर, बी से ब्लू, बेस ने एंड में ब्लू कलर ही देना है। या ब्लू कलर एंड में आ गया, बिल्कुल बेस के लिए ठीक है, ठीक है, या ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, क्यों? क्योंकि ब्लू लिथमस ब्लू है और वो बाद में भी ब्लू ही कलर का रहेगा, तो चेंज क्यों होगा अकॉर्डिंग टू कोड। ऋषभ मेहता जी, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है, डोंट वरी मेरे दोस्तों, मैं किसी को भी इग्नोर कभी नहीं करती, ठीक है। बिमोला जी, एको सोल्यूशन मीनिंग का मतलब, एको सोल्यूशन का मतलब किसी भी चीज को आप जब पानी में घोल देंगे तो हम उसको उसके एक्वा सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था पिछले क्वेश्चन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO था फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस MgO को अगर मैं पानी में घोल दूंगी वाटर में, तो ये इसकी इसकी एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप मेरे दोस्तों ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी, एंड किसी के लिए इग्नोरेंस नहीं है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है ये बताओ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं मेरे दोस्तों एसिडिक इन नेचर होते हैं, अम्लीय होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारकीय होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, या फिर रेड लिथमस पेपर को ब्लू कलर का चेंज करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बिल्कुल वाटर प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स, जब भी वो कह रहे हैं कि उसको वो रगड़ रहे हैं तो वो वाटर के अंदर घोल के ही उसको रगड़ के सॉल्यूशन में टेस्ट कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अरे राकेश जी आपने कैसे बोला साइंस हार्ड है, साइंस बहुत आसान है, साइंस आसान नहीं बोलूंगी मैं, साइंस इंटरेस्टिंग है यार। हम जो साइंस पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ में चीजों को देखते हैं, रिलेट कर सकते हैं, आप फिक्र मत करो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मेरे साथ अटेंड तो करो, साइंस सेशन तो लगाओ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अटेंड करते हैं जो पहले बोलते थे साइंस हार्ड है, अब बोलते हैं मैम साइंस ठीक ठीक है। कभी आने वाले टाइम कुछ बोलते हैं मैम साइंस बहुत अच्छी हो गई है, मजा आ गया, इंटरेस्ट हो गई है, तो टेंशन मत लो। आपका ये जो हार्ड है, हार्ड से ठीक ठीक का लेवल और ठीक ठीक से बेस्ट का लेवल फ्रेंड्स पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस सेशन में आना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एसिडिक इन नेचर होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मेरे दोस्तों एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और ये हमें सल्फ्यूरस एसिड देगा जो कि एसिडिक नेचर का है। एंड लक्ष्मी जी एसिड जो है वो एच पॉजिटिव आयन देता है अलग होने के बाद, और बेस OH नेगेटिव आयन देता है अलग होने के बाद, ठीक है। मैं आपको बार बार ही बोल के फिक्र मत करो, इसको समझा के याद कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है मेरे दोस्तों, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस इज यूज्ड एज, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है फ्रेंड्स वो किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, क्या वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या वो एक एंट एसिड है, या फर्मेंटेशन एजेंट है, या फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कहानी तो हम इतनी बारी पढ़ चुके हैं ना कि आप लोग आंख बंद करके भी आंसर लगा सकते हो पेपर। बिल्कुल विजय जी देखो टेंशन मत लो, आपने बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ाओ, वो चैप्टर में पढ़ा दूंगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, उस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि बायो में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बायो जब मैं अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन भी मैं आपको पक्का पढ़ाऊंगी, ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज है, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, डीप में अच्छे टॉपिक्स हायर लेवल तक, PRT TGT लेवल तक हम चलते हुए पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीक आपका
टॉपिक रहेगा साइंस का बायो के ऊपर, प्लीज उस सेशन में जरूर जुड़ेगा, बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वो सेशन आपके लिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ये एक एंट एसिड की तरह हम यूज करते हैं। एंट एसिड कैसे, जब पेट में बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है, एसिडिक अम्लीय पेट हो जाता है, तो डॉक्टर बाहर से हमें क्षारक बेस देता है कि लो बेटा बेस खाओ, उससे क्या होता है एसिड प्लस बेस अम्ल प्लस क्षारक न्यूट्रलाइजेशन कर देता है मेरे दोस्तों, और न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है पेट में, न्यूट्रल हो जाता है पेट, उदासीन उदासीकरण हो जाता है पेट में, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाती है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, अगर आपको याद हो तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, मैंने पढ़ा है मेरे दोस्तों, देख लो आपके एग्जाम की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बता रही हूँ मैं आपको, ऐसी कौन सी गैस है जो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, बताओ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बताओ गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स नाराज मत होया करो यार, अगर रिक्वेस्ट आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है ना तो प्लीज नाराज मत होया करो। आप सोचो कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है, आप बोलते हो कि मैम जीके पढ़ाओ तो मैंने जीके पढ़ाना शुरू करा, आप बोलते हो मैम करंट अफेयर्स पढ़ाओ तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू करती हूँ, ईवीएस पढ़ाती हूँ साइंस पढ़ाती हूँ, जो आप टॉपिक बोलते हो मैं वही टॉपिक पढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स बहुत सारी रिक्वेस्ट हो जाती है तो रिक्वेस्ट ऊपर नीचे होंगी ही होंगी, ठीक है। अभी फिलहाल रिक्वेस्ट थी कि मैम बायो पढ़ाओ, नाइन्थ टेंथ की साइंस पढ़ाओ, तो सारी रिक्वेस्ट मैं फ्रेंड्स धीरे धीरे फुलफिल कर पाऊंगी, ठीक है। आई होप आप थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे आप रिक्वेस्ट बोलोगे वैसी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन से लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत को प्रवाह कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, विनेगर शुगर सोल्यूशन सॉल्ट सोल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर, ये चार है ऑप्शन आपके पास, विनेगर शुगर सोल्यूशन सॉल्ट सोल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर, सिरका का विलयन, लवण का विलयन, असूत जल या फिर सिरका, कौन मेरे दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन कंडक्ट कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कम ऑन फ्रेंड्स सभी लोग आंसर बताएं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी से आंसर चाहिए मुझे यार, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि यार कोई आंसर दे कोई ना दे, आपको जो लगता है चाहे गलत आंसर दे दो मुझे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आंसर दो, आई वॉन्ट आंसर फ्रेंड्स, राइट रॉन्ग से फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करूंगी, डोंट वरी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करा दो प्लीज, फिर से रिक्वेस्ट आ गई, टेंशन की लो तो प्रॉमिस कर तो दिया था मैंने, नेक्स्ट वीक फ्रेंड्स वेनसडे या थर्सडे को कार्बन एंड कंपाउंड्स का टॉपिक आपको मिलेगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है, टेंशन मत लो, कह रही हूँ कराऊंगी तो पक्का कराऊंगी यार, और केवीएस डी ट्रिपल एस भी लेवल का कराऊंगी, मैं आपको ये भी बता रही हूँ अभी, फिक्र मत करो। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है मेरे दोस्तों, ए और सी मेरे दोस्तों राइट था, विनेगर में से पास होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्ट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, डिस्टिल्ड वाटर में से नहीं हो सकती। देखो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कराता है, आयंस, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कराता है, आयंस, ठीक है फ्रेंड्स, ये दो बार लग गया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, ये दो बार ही गलती से मुझसे यहाँ पे कॉपी हो गया। देखो एसिड जो होते हैं फ्रेंड्स एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं, जो अम्ल होते हैं आपके वो एच पॉजिटिव आयन देते हैं, और जो बेस होते हैं आपके वो ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं वाटर में, ये हम सबको पता है। अब ये जो आयन्स एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव ये कंटेन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आपको इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं घूमते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। अब शुगर जो सब्सटेंस है फ्रेंड्स जब आप उसको पानी में मिला देते हैं तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शुगर आयन्स में नहीं टूटते,
सकती यार। शुगर कॉम्प्लेक्स चीज है, ग्लूकोज सुक्रोज शुगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं, डिस्टिल्ड वाटर की बात करूं फ्रेंड्स, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में इंप्योरिटीज नहीं है। ठीक है, इंप्योरिटीज आपके आयंस होते हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर में आपने एक्वागार्ड लगा के पानी को डिस्टिल्ड कर दिया, चाहे बॉयल करके, आयंस तो छोड़े ही नहीं उसके अंदर। जब आयंस नहीं छोड़े, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकर भागेगा कौन चार्ज को, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों, राइट आंसर जो था मेरे दोस्तों वो था विनेगर। विनेगर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और सॉल्ट सॉल्यूशन जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन देता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। आई होप क्लास क्लियर है। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस का मिलके फटाफट से कर लेते हैं, 20 क्वेश्चंस है हमारे पास, जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो अब फ्रेंड्स क्या है, अ टीचर टेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ स्पून। टीचर ने क्या किया, एक चम्मच के अंदर सल्फर ले लिया, छोटा थोड़ा सा सल्फर, और उस सल्फर को टीचर ने बर्न करना शुरू कर दिया। फिर उसने क्या किया, देन शी पुट द स्पून इनटू अ टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। फिर उसने क्या किया, इस जो स्पून में सल्फर जलाया उसको एक टम्बलर के अंदर डाला और ऊपर से टम्बलर को ढक दिया ताकि जो गैस है ये अंदर ही रहे, एस्केप ना करे। कुछ टाइम के बाद टम्बलर में इसने पानी को डाल दिया। आपको ये बताना है व्हाट हैपेंस इफ ब्लू एंड रेड लिथमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर। क्या होगा अगर ब्लू लिथमस और रेड लिथमस पेपर को हम इस टम्बलर में डालेंगे। कहानी मैं फिर से समझाती हूँ फ्रेंड्स, एक चम्मच है, इस चम्मच में सल्फर प्रेजेंट है, एक टीचर ने सल्फर को आग लगा दी, बर्न कर दिया। फिर एक कंटेनर के अंदर इस जलते हुए सल्फर को डाला और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया ताकि गैस बाहर ना आ सके। अब ये जलते हुए सल्फर को थोड़ी देर के बाद ठंडा हुआ, गैस अंदर ही है, ये ढक्कन खोला, इस ढक्कन में उसने मिलाया पानी, और फिर इसने आपसे पूछा कि अगर आप ब्लू लिथमस और रेड लिथमस पेपर को टम्बलर के अंदर डिप करेंगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है उनके साथ, तो आपको बताना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, डोंट वरी फ्रेंड्स, इन केस आपको क्लियर नहीं दिख रहा, डोंट यू वरी। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैंने आपको बोल की सारी सिचुएशन बता दी। अब पहले में क्या कह रहे हैं, नो चेंज इन बोथ, ब्लू लिथमस जो है लाल रंग का हो जाएगा, ब्लू लिथमस ब्लू रहेगा, रेड लिथमस ब्लू हो जाएगा। आपने बस ये बताना है कि क्या होगा इस सिचुएशन में। ठीक है, सोचो और बताओ। उसके नीचे भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप चाहो तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही सॉल्व करके आंसर दो। मैंने स्लाइड पर दोनों के आंसर लगाए हैं। इन द अबव डेमोंस्ट्रेटेड एक्टिविटी विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो कह रहे हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी तो क्या बनेगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है, सोचो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी के आंसर चाहिए मुझे। सभी लोग सभी पार्टिसिपेट करें, दोनों क्वेश्चन के एक साथ आंसर दे दो फ्रेंड्स उठा करके। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से खत्म करेंगे हमारे 20 क्वेश्चंस का आज का टेस्ट है। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों शाबाश। और मैं चैट में देख सकती हूं किसी का क्वेश्चन है कि इज ब्लड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल जी, ब्लड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ब्लड में से पास हो सकती है, ब्लड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि ब्लड में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्ट्स एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, तो ब्लड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 2, ब्लू लिथमस रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगी तो सल्फ्यूरस एसिड है जो आपका। ठीक है फ्रेंड्स, यह सल्फ्यूरस एसिड इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इसको यहाँ करेक्ट कर लेना।
ये फोर्थ है राइट आंसर। सल्फ्यूरस एसिड जो है मेरे दोस्तों वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड आपका बन जाएगा जो कि एक एसिड है। अब आपको पता है बेस तो BBB है, बेस बिटर ब्लू, एंड में देगा ब्लू कलर, लेकिन एसिड जो है वो एंड में रेड कलर देता है, जिस वजह से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। आई होप क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के लगा दिया। सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक अम्ल होते हैं नेचर में, ठीक है। और जो सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था विद एग्जाम्पल मेरे दोस्तों। और सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो आपका सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 फॉर्म होगा। इस टाइप ये सेम ही टाइप पे फ्रेंड्स हर बारी अलग अलग क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अनीता ने प्रिपेयर किया फ्रेंड्स एक फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो इसने बनाया, ठीक है। उसके बाद शी ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट, फिर उसने क्या किया इसमें एल्यूमिनियम की फॉयल जो है वो ड्रॉप कर दी, फिर मैच स्टिक को उसके माउथ के पास लेके आई, ठीक है। और उसने देखा कि एक पॉप साउंड के साथ, ठीक है, पॉप साउंड आई। वो पॉप साउंड क्या इंडिकेट करती है कि कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई होगी। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि पॉप साउंड से कौन सी गैस जो है वो बर्न होती है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। परमजीत कौर जी का एक क्वेश्चन आ गया। परमजीत जी मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाती हूँ। देखो परमजीत जी, एक तो देखो एक सिंपल सी बात है, जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे ना, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर होंगे। आप मॉब को याद रखो, ठीक है। अगर इन केस आपको लॉजिक से भी समझाऊंगी याद कैसे करना है वो भी समझाऊंगी, ठीक है। आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, इतनी सी बात है। कैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैग्नीशियम आपका एक मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है। अगर मैं MgO को पानी में मिला दूंगी ना तो वो MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। अब MgOH होल ट्वाइस, ये रहा मेटल का ऑक्साइड, मैंने आगे लिखा है मेटल ऑक्साइड MO, बेसिक इन नेचर होता है, बिल्कुल होता है। अब जब आप इसको MgOH होल ट्वाइस को तोड़ेंगे तो क्या रिलीज होगा, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन क्या होता है, बेस होता है, इसलिए मैंने बोला कि ये बेसिक नेचर के होते हैं। अब सल्फर है फ्रेंड्स आपका, सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है। इसका जो ऑक्साइड है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें जब हम वाटर को मिला देते हैं तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, मतलब ये एसिडिक नेचर का है, ये अम्लीय है। तो मैंने कहा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। आप एग्जाम्पल से चीजों को याद रखो, आपको इजिली हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल विजयलक्ष्मी पांडे जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं MgOH होल ट्वाइस को। और जो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है मेरे दोस्तों वो हाइड्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमें देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स देखो जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे जो क्वेश्चन है दो बारी आपके डिफरेंट डिफरेंट पेपर में रेडी आए हैं, ठीक है, रिपीट हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। विनेगर, लाइम जूस, सॉल्ट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो इस क्वेश्चन का बहुत इजीली आंसर हमें पता है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते, इम्प्योरिटी नहीं होती। तो अगर इम्प्योरिटी नहीं है, आयंस नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी रे। आई होप फ्रेंड्स क्लियर है। एंड शुगर सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, याद में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कहता है फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं, दो क्वेश्चंस रह गए और फिर आप लोग जा सकते हो, क्लास करेंगे ओवर, ठीक है। When we add aluminium foil to freshly prepared sodium hydroxide, ठीक है, फिर से वही बात है friends, aluminium foil के question paper में repeat हुआ है दो बार, तो ध्यान रखो ये question paper में आता है। Aluminium foil जो है आपने freshly prepared sodium hydroxide में डाला NaOH में, same ही question है। मैं फिर से आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें अब उन्होंने आपको pop sound के साथ burn होगा दिया नहीं था। Which of the following correctly states the property of gas?
पहले वहां पे उन्होंने पूछा पॉप साउंड निकलेगी गैस की, इजी क्वेश्चन था, कौन सी गैस होगी, आपको पता है पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस देती है, टिक करके आपने आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ कहानी थी रिएक्शन बनाने की। एल्युमिनियम फ्रेंड्स NaOH के साथ रिएक्ट करेगा वाटर की प्रेजेंस में, तो NaAl होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन देगा, H2 गैस जो है मेरे दोस्तों यहाँ रिलीज होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये रिएक्शन को थोड़ा सा दिमाग में रखो, वो ये नहीं पूछते कि रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या है, रिएक्टेंट में क्या है, आपको जिस दे दिया कि ये फलानी चीज इस चीज से मिक्स हो रही है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, और दो क्वेश्चंस गैसेस के रिलेटेड आते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पूछा जाता है और दूसरा फ्रेंड्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट पूछा जाता है, मैंने दोनों आपको पढ़ाए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। ये दिमाग में रखने की चीज है कि एल्यूमिनियम जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। दो क्वेश्चन सेम टू सेम अलग अलग भाषा में मैंने आपको दिखा दिया। एक्वा सोल्यूशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल चेंज ब्लू लिथमस टू रेड, ब्लू लिथमस को रेड में चेंज करना है फ्रेंड्स, सेम टाइप का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। ये दोबारा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं मॉब, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आई होप मेरे दोस्तों ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया, ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये एक और टेस्ट है आपके लिए। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन, पहला सवाल, लाइम वाटर सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर सॉल्यूशन में से पास कर दिया। जब मैंने आपको एडवांस पढ़ाया था एसिड बेसिस सॉल्ट का, तो रिएक्शंस पढ़ाए थे, उन रिएक्शंस में ये पढ़ाया था, और वो मिल्की कलर में चेंज हो जाते हैं। अब ये मिल्की कलर में चेंज होते हैं, आपको याद रखना फ्रेंड्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट भी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में से पास करते हैं तो वो उसको मिल्की चेंज कर देता है, इस पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है और हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू, अभी लाइम वाटर का जो मिल्की अपीयरेंस है, दूधी अपीयरेंस है, ये किस वजह से होता है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन लाइम वाटर, की भैया लाइम वाटर में बड़ी इंप्यूरिटीज हैं इसलिए ये ना दूधिया कलर का हो गया। प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति है। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट है जो घुल गया है इसलिए ये व्हाइट कलर दे रहा है। या फिर कर्डिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू लाइम इज लाइम वाटर, ये फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन तो एकदम ही नॉनसेंस है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो चलो आंसर्स आ गए हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है यार, प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया था, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों की स्लाइड थी फ्रेंड्स, एडवांस वाली वीडियो में जाके देख लेना, एडवांस 1 एडवांस 2। एसिड बेसिस पर मैंने एक नॉर्मल पढ़ाया है छोटे लेवल का, उसके बाद एडवांस में हायर लेवल का पढ़ाया है, 9th 10th के लेवल का, 9th 10th की बुक्स है। अब फ्रेंड्स देखो, लाइम वाटर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है, याद रखना। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को घोलेंगे तो CaCO3 बनेगा, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति की वजह से ये घुला नहीं अच्छे से, इसीलिए व्हाइट PPT बनते हैं, जिस वजह ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट। फिर मैंने बताया था अगर कैल्शियम कार्बोनेट में आप बार बार कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे, व्हाइट कलर आने के बाद भी ऐड करते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तब वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा और उसके बाद वो कलरलेस हो जाएगा, फिर उसका कोई भी कलर नहीं रहेगा। फ्रेंड्स ये सब आपको कराया है, आई होप आपको याद आ गया होगा, बहुत बढ़िया बिलो रानी जी, वेरी नाइस, ठीक है। तो फ्रेंड्स इंडिकेटर, ठीक है, ओरिजिनल कलर, एसिड एंड बेसिस, ये मैंने आपको बता दिया, BBB बेस बिटर ब्लू को याद रखना। टर्मरिक जो है मेरे दोस्तों उसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, एसिड के साथ वो येलो ही रहता है, बेस के साथ वो लाल रंग का हो जाता है। फिनोफ्थलीन ब्लेंडर प्राइड, एक कोड आपको याद रखना है, बेस के साथ फिनोफ्थलीन पिंक कलर दिखाता है, एसिड के साथ कलरलेस रहता है। रेड कैबेज जूस फ्रेंड्स एसिड के साथ रेडिश हो जाता है, बेस के साथ येलोइश ग्रीन हो जाता है। रेड कैबेज जूस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, तो ये पहले 3 प्लस फिनोफ्थलीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मिथाइल ऑरेंज भी पढ़ के जाएंगे फ्रेंड्स, पढ़ के हम सब जाएंगे। पेपर है अभी तक नहीं आया तो क्या आगे आ सकता है, मिथाइल ऑरेंज से क्वेश्चन फ्रेंड्स पेपर में पूछते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, एसिड के साथ लाल रंग का होता है और बेस के साथ ये येलो कलर का देता है। अगर मैं अनियन वनीला की बात करूं और आपके लौंग के तेल की बात करूं फ्रेंड्स, तो इनकी स्मेल जो है वो उड़ जाती है, वैनिश हो जाती है जब इनको बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। आई होप ये सारी बातें क्लियर है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी स्लाइड है। और विनेगर फ्रेंड्स एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, टर्माइड में, ठीक है, आपकी इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, इनसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग चीटी की डंक में मिथ्रोइक एसिड, या इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है दोस्तों, सेम ही नाम है। नीडल स्टिंक अगर मैं बात करूं ये बिच्छू बूटी, इसमें भी मिथ्रोइक एसिड फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस टेबल से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैंने अपनी तरफ से आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है। आपको लेवल वन प्लस एडवांस लेवल दोनों लेवल आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, प्लस आपका एक अच्छा सा मॉक टेस्ट भी ले लिया है जिसमें प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल आप एसिड बेसिस सॉल्ट के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी तैयारी एंड चक दे फट्टे, ठीक है चक दे फट्टे। तो विजयलक्ष्मी जी कल की क्लास का टॉपिक मेरे दोस्तों बेसिक्स ऑफ मैटर है, ठीक है। ये टेंथ क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आपने कहा था मैम टेंथ क्लास की केमिस्ट्री कराई जाए, मनप्रीत जी की रिक्वेस्ट थी, तो टेंथ क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है। और फ्रेंड्स फ्राइडे को करंट अफेयर्स पे क्लास रहेगी, मे के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ जुड़िएगा मेरे साथ, पढ़ेंगे DSSSB में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। नेक्स्ट वीक से बायो स्टार्ट हो जाएगी एंड 9th 10th के लेवल DSSSB एंड KVS लेवल की साइंस साथ साथ चलेगी एंड EVS भी चलेगी। आई होप फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक बटन को ठोकने का। थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी पांडे जी, खुशी जी, थैंक यू सो मच निक्स, कोई बात नहीं निक्स, रुचि जी, चार रॉन्ग हो गए तो क्या हो गया, अभी जो चार रॉन्ग हुए हैं आगे से कभी रॉन्ग नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। जरूर मिलेगा कल के सेशन में, कुछ बढ़िया केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी बिलोंग करते तब भी ऐसा पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स कि साइंस आप बोलोगे मेरी फेवरेट है, प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो सेशन में जरूर जुड़िएगा, आप सभी को मेरी तरफ से फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, कोरोना बहुत फैल रहा है, अपना ध्यान रखिए। कल के सेशन में मेरे साथ ठीक 5 बजे एडिटर टीचिंग परीक्षा पे लाइव आना मत भूलिएगा। सभी को मेरा बाय बाय गाइस, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।